बाल विकास परियोजना तथा विकासखंड हमीरपुर के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण एवं पोषण अभियान के अंतर्गत बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमीरपुर विकासखंड के 102 स्वयं सहायता समूहों तथा 119 महिला मंडलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बाल विकास परियोजना एवं विकासखंड हमीरपुर के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण एवं पोषण अभियान के अंतर्गत बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर विकासखंड के 102 स्वयं सहायता समूहों तथा 119 महिला मंडलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाकर इससे स्वरोजगार के रूप में अपना सकती हैं। अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करें तथा कारोबार को निरंतरता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लोग स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को अधिक पसंद करते हैं, इसलिए महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्पादों को बड़े पैमाने पर तैयार कर उनमें गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। इससे लोगों का स्वयं सहायता समूहों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपनी आर्थिकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आचार, मुरब्बा, चटनी, मसाले, वड़ियां, सेवइयां, सीरा तथा अन्य स्थानीय उत्पादों के साथ साथ डेयरी फार्म, मधुमक्खी पालन, रेशम कीटन पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों को भी शामिल करें। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों के लिए विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। हमने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक वाइज महिला मंडल बने हुए हैं, उनकी लिस्ट कलेक्ट की है। लगभग 1800 से 1900 महिला मंडल पूरे डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बहुत सारे बने हुए हैं सेक्टर वाइज, चाहे वो डेयरी में है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो वेजिटेबल कल्टिवेशन में है या अदर उसमें प्रोफेशन में है। तो हमारा बेसिक आइडिया था कि अगस्त महीने में हम लोग सभी ब्लॉक्स में जितने महिला मंडल से ब्लॉक लेवल पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ डिफरेंट इश्यूज को लेकर इंटरेक्ट करें। महिला मंडल्स मोस्ट ऑफ दी के साथ अपने फोन भी बने हुए हैं और जो महिला मंडल बनाने की असल क्या उसका अपना पर्पज सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले महिला मंडल बने थे तो उनका एक मंथली सेविंग का कुछ कंसेप्ट रहता था, बड़े बड़े सारे इश्यूज में स्वच्छता में कुछ लगे हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए हैं। बट ये जो कार्यशाला ऑर्गेनाइज करने का जो पर्पज है डिफरेंट ग्रुप्स में, आज सेकंड का वर्कशॉप है, पहले हमने नादौन में की थी 3 अगस्त को। उसमें बेसिक आइडिया ये है कि जो हम लोगों का एक दूसरे से इंट्रैक्शन है और जो मोबिलाइजेशन है वो सारा स्टॉप सा रुक सा रुका हुआ था, उनको दोबारा एक्टिवेट करना, उनके जो इश्यूज है उनके बारे में डिस्कस करना। उनके जो पॉइंट था वो ये था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमने ऑफिशियल बुलाए थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीमों को डिस्कस करना है कि डिपार्टमेंट्स में क्या चला हुआ है, गवर्नमेंट में क्या चला हुआ है, उनकी नॉलेज लेवल को बढ़ाना। तो इसमें मोबिलाइजेशन वाज द मेन टारगेट। जैसे हमने वेटरनरी डिपार्टमेंट से स्कीमें डिस्कस करना, हाउ कैन डेयरी फार्मिंग किस तरह से यूजफुल हो सकती है, इनको इस तरह से सेंसिटाइज करना। और जैसे बड़े सारे ग्रुप्स हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आचार मेकिंग में, दलिया मेकिंग में डिफरेंट उसमें चला हुआ है, लेकिन मार्केटिंग इज द इशू। तो वी आर ट्राइंग टू रियलाइज देम कि वट एवर स्ट्रेंथ इन आवर विलेजेज उस स्ट्रेंथ को पहचान के उसी तरीके से एक्टिविटी में आगे करना। फॉर एग्जाम्पल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग दूध या पनीर से दूध से बने हुए जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं 15 से 20 लाख रुपए का डेली बाहर से आता है पंजाब से, तो उस मार्केट को टैप किस तरह से हम रूरल एरिया से किया जा सकता है। तो वी आर सेंसिटाइजिंग देम और वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट दीज महिला मंडल्स। उस पर कुछ वर्कशॉप की हुई